भारत में कोरोना की जंग अब भी जारी है। भारत में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऐसे में आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। बॉलीवुड के सिंगर अजय देवगन ने कोरोना वायरस संकट के बीच आज फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज को 51 लाख रुपए की मदद की है। FWICE के चीफ एडवाइजर और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने एक वीडियो मैसेज के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अशोक पंडित ने अपना एक वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है, डियर अजय देवगन, 5 लाख सिने मजदूरों की भलाई के लिए FWICE को 51 लाख रुपए की सहायता देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हर बार खुद को साबित किया है, खासकर मुसीबत की घड़ी में, कि आप हकीकत में एक सिंगम है। गॉड ब्लेस यू। अशोक पंडित ने अपने वीडियो मैसेज में कहा कि अजय देवगन ने जो 51 लाख रुपए का डोनेशन दिया है, उसका इस्तेमाल दिहाड़ी मजदूरों, टेक्नीशियंस और अलग अलग क्राफ्ट्स में काम करने वालों के लिए होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के और तमाम लोगों से भी अपील की है कि वो फेडरेशन की सहायता के लिए आगे आए। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज अजय देवगन जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अजय देवगन जी ने आज 51 लाख रुपया डोनेट किया है फेडरेशन को। ये सारा डोनेशन यूज़ होगा हमारे डेली वेज वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, जो वेरियस क्राफ्ट्स में काम करते हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका अजय जी इस कंट्रीब्यूशन के लिए। और साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा हमारे सारे दिग्गज प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, राइटर्स, जो हमारी इंडस्ट्री की शान है, वो सामने आएँ और फेडरेशन को, जो कि एक मदर बॉडी है 32 क्राफ्ट्स की, उनको डोनेट करें, ताकि हम इस लड़ाई को कोरोना वायरस की जीतें और आगे फिर लाइट्स, साउंड्स, एक्शन की आवाज़ सुने। जय हिंद। अजय देवगन से पहले रोहित शेट्टी भी इस फेडरेशन को 51 लाख रुपए डोनेट कर चुके हैं। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने हाल ही में FWICE से 25,000 मजदूरों के बैंक अकाउंट नंबर मांगे थे, ताकि सीधे उनके अकाउंट में पैसे भेज सके। खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपए दान दिए हैं। इसके अलावा कार्तिक आर्यन, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी जैसे कई और बॉलीवुड सेलेब्स अब तक पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड में दान दे चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अभी तक के रिपोर्ट के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 2000 हो गई है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से देश में अब तक 58 लोगों की जान जा चुकी है। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।